परिपथ धारा ज्ञात करें। टू बोल्ट, वन ओम, टू बोल्ट, वन ओम, वन ओम, टू बोल्ट। फाइंड द करेंट इन द सर्किट, परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात करें। मिटा दूं इधर, चलो जल्दी से बताओ, दो मिनट आपको दे रहा हूं, क्या आंसर आएगा। जीरो, कितने बच्चे जीरो कहते हैं बोलो, जीरो ही है, पक्का सही है, जीरो ही है, बिल्कुल सही है, आपका आंसर जीरो ही है। देखो इधर से स्टार्ट करें, जो बैटरी एक साथ कनेक्टेड है, सबसे पहले उन बैटरी का तो हिसाब किताब बनाओ कि टोटल ईएमएफ बैटरी का है कितना, आखिर पहले तो वो बनाएं। तो इधर से देखो, आप ध्यान देना, इधर से इतनी शाखा में ये दोनों बैटरी प्रति श्रेणी में जुड़ी हैं, एंटी सीरीज जिसको बोलते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ रहा है। एंटी सीरीज में नेट ईएमएफ कैसे निकालते हो, माइनस करके निकालते हो, तो 2 - 2 करो जीरो, तो मतलब इधर तो क्या हो गया, इन दोनों बैटरी का इफेक्ट खत्म, ये दोनों बैटरी का नेट ईएमएफ जीरो, मतलब ये दोनों बैटरी इस सर्किट में कोई योगदान नहीं दे रही हैं, ये दोनों बैटरी का कोई इंपॉर्टेंस इस सर्किट में नहीं है। तो यहां से जब इनकी यूटिलिटी नहीं है, कोई योगदान नहीं दे रही है, तो यहां से हटा दो, तो ये मैंने ये सर्किट ही खत्म कर दिया, इन बैटरी का काम खत्म। अब आ जाओ, ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट बचे, बचे कि नहीं। अब ये 2 और 2 ये भी तो कैसे हैं, बताओ जरा, श्रेणी में ही है लेकिन प्रति श्रेणी है, मतलब प्लस प्लस से जुड़ा, रेजिस्टेंस बीच में हो, इधर हो इधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये एक बैटरी है, बीच में रेजिस्टेंस आ जाए और ऐसी बैटरी हो जाए, तो ये दोनों क्या होते हैं, प्रति श्रेणी ही होते हैं। आप चाहें इन दोनों को ऐसा कर दें, रेजिस्टेंस यहां खिसका दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो श्रेणी में ये जो एलिमेंट है, इनकी बिना पोलैरिटी चेंज किए हुए, ऋण धरे तो इधर ही रखो, धन धरे तो धन धर ही रखो, कहीं पर भी खिसकाया जा सकता है, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे इसमें हो रहा है, ये 2 वोल्ट की है, 2 वोल्ट की है, लेकिन धन धन से जुड़ा है डायरेक्ट ऐसे एक रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये कनेक्टिंग वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो 2 में से 2 घट जाएंगे, कितना आ जाएगा 0। तो इस शाखा में इन दोनों बैटरियों का कोई योगदान नहीं है, मतलब कितना हो गया रेजिस्टेंस, मतलब इनका नेट ईएमएफ कितना हो गया 0। तो हम जब नेट ईएमएफ 0 हो गया, तो हमारे किसी काम का नहीं रही, तो इनको हटा दें यहां से, बैटरियों को, दोनों हट गया। अब जरा इसमें देखें, ऐसे ये मान लो एक रेजिस्टेंस हो भी गया है, तो एक और एक अगर हम समांतर में मान लें, 0.5 मान लें, तो एक रेजिस्टेंस हो गया, तो ये 2 वोल्ट और ये 2 वोल्ट फिर से कैसा आ गया, प्रति श्रेणी में ही आ गया। अब प्रति श्रेणी में आ गया तो 2 - 2 0, तो इन दोनों बैटरियों का काम भी खत्म हो गया। तो इधर से समेटते हुए हम आए, और हर शाखा में हमने देखा क्या कि प्रति श्रेणी में ही बैटरियां जुड़ी हुई हैं, और प्रति श्रेणी में जुड़ी हुई हैं तो उनका और समान मान की हैं, सेम वैल्यू के हैं, तो नेट ईएमएफ क्या होता जा रहा है 0। अंत में भी हमने देखा कि अंत में जो 2 सेल बचते हैं, उन वो भी प्रति श्रेणी में जुड़ी हैं, उनका भी नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा, तो पूरे सर्किट में एक भी बैटरी किसी काम की नहीं रही, इसलिए कुल धारा 0 हो गई, क्योंकि बैटरी ही तो धारा भेजेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आया 0।
तो एग्जाम का पैटर्न यही है, ध्यान देना। लंबे लंबे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। आप 15-20 साल के पेपर उठा लो नीट के और उनको एनालाइज करो। लेटेस्ट 2019 तक के पेपर उठा लो नीट के, तो आप एनालाइज करेंगे और उनके सॉल्यूशंस देखो, अगर किसी किताब में मिल जाए या कहीं वेबसाइट पर मिल जाए, तो आप देखेंगे कोई क्वेश्चन 3-4 लाइन से ज़्यादा का नहीं होता। उनके सॉल्यूशन कईयों के तो एक लाइन में ही फिनिश होते हैं, कईयों के तो सिंपल ABCD लिख देते हैं, क्योंकि उनमें लिखना भी नहीं पड़ता, केवल हम थोड़ा मेंटली सोचें वैसे ही आंसर आ जाते हैं। तो पूरे पेपर में 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, केवल थोड़ा सा दिमाग लगा के, जैसे अपन बायो के क्वेश्चन करते हैं उस तरह के कर सकते हैं। वो 15-20 मिलेंगे, पक्की बात है। बस वो रैंडमली कहीं ना कहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्रम से लिखा हो कि ये 1 से 15 तक सरल है ना, और लिख दिया जाए 15-20 तक बहुत बहुत कठिन है, इनको टच मत करना, तो अपन पहले से ही छोड़ देंगे, उनको काट देंगे, ये अपने बस की बात नहीं है, है ना। तो वो बीच बीच में फंसे होते हैं, वो आपको एक तरफ से करते हुए चलना होता है,